हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 31 अक्टूबर 2019 और 31 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके बाद उनसे इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, जिसकी शुरुआत हम करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो कि है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। तो चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन, जो हमने क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए दिया था। बहुत सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ। क्वेश्चन था हमारा, फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है आमिर खान फोन पे के नए ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, तो और कल हमारा टारगेट था 900 लाइक्स का, तो आज है हमारा टारगेट 1000 लाइक्स का। ठीक है, 1000 लाइक्स आज आप लोग करेंगे वीडियो पर, और जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, किस देश में व्हाट्सएप फेसबुक पर मैसेज और कॉल करने के लिए टैक्स लगाने का ऐलान किया गया था, जिसके विरोध में हुए प्रदर्शनों के चलते वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। तो किस देश में हुआ था व्हाट्सएप और फेसबुक पर मैसेज और कॉल करने के लिए टैक्स लगाने का ऐलान किया गया था हाल ही में? किस देश में किया गया था? लेबनान में किया गया था यह ऐलान। ठीक है, वहां पीएम कौन है? वहां है पीएम साद हरीरी वहां पीएम है अभी, जिनको इस्तीफा देने की नौबत आ गई। ठीक है, तो ये क्यों किया गया था हम एक बार देख लेते हैं। लेबनान में ना व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज और कॉलिंग पर टैक्स लगाने का विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ के पीएम साद हरीरी को इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, जहाँ वहाँ की सरकार ने 17 अक्टूबर को व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज और कॉल करने के लिए टैक्स लगाने का ऐलान किया था, तब से ही देश में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। ठीक है, और सरकार ने ये टैक्स का रीजन क्या बताया? टैक्स के पीछे का तर्क जो दिया वो था, इसे आर्थिक संकट में घिरे देश की आमदनी बढ़ेगी, अर्थात इकोनॉमिक उसकी बढ़ जाएगी, है ना, इकोनॉमिक पोजीशन उसकी अच्छी हो जाएगी देश की, यह सरकार ने रीजन बताया। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर था लेबनान। ठीक है, तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की साइड, जो कि है हमारा, लेकिन अगर गाइस तब तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा ट्विटर हर एक पेज के हर एक ग्रुप पर, अपने हर दोस्त तक, अपने हर एक फ्रेंड तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। आज का टारगेट क्या है? 1000 लाइक, पूरे 1000 लाइक आपको, ज़्यादा 1000 से ज़्यादा लाइक करने हैं आज के वीडियो पर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के सीमावर्ती राज्यों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस देश द्वारा मणिपुर में नदी पर नए पुल के निर्माण की घोषणा की गई? तो किसके द्वारा घोषणा की गई? म्यांमार के द्वारा, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट, म्यांमार के द्वारा भारत के मणिपुर में सीमा पर स्थित एक नया पुल बनाने की योजना बनाई गई। उसका पुल का नाम क्या है? मान सॉन्ग करके नाम है इस पुल का। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, म्यांमार के साथ कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया के मणिपुर में, और मणिपुर पर स्थित नदी पर नया पुल बनाने की योजना बनाई गई है, इस पुल का नाम क्या है? मानसॉन्ग। ये कब से स्टार्ट होगा? दिसंबर से इसका वर्क स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका पुल का हम देख लेते हैं इसके बारे में, 557 फीट ये लंबा पुल है और 30 फुट चौड़ा पुल है। ठीक है, 557 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा पुल है। ठीक है, और यह परियोजना लगभग 3 सालों में पूरी हो जाएगी, 3 ईयर्स में यह परियोजना पूरी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का हमारा, जो कि है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 31 अक्टूबर से एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में किया जा रहा है 31 अक्टूबर से एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व का आयोजन। कहाँ? दिल्ली इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यह पर्व केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS द्वारा आयोजित किया जा रहा है। KVS के जो बच्चे हैं, KVS के
और लोगों के द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 25 क्षेत्रों के 25 जगह के 2375 प्रतिभागी भाग लेंगे। हर क्षेत्र से लगभग 81 छात्र भाग लेंगे। 8 शिक्षक और 2 संगीत शिक्षक और 4 कला शिक्षक। एक मिनट में लिख देती हूँ, ठीक है। 81 स्टूडेंट होंगे, 8 टीचर होंगे, ठीक है, और 2 म्यूजिक टीचर होंगे और 4 होंगे कला शिक्षक। आर्ट्स के टीचर्स होंगे 4, ये पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह प्रत्येक क्षेत्र के 95 एक क्षेत्र से 95 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इस पर्व में क्या क्या होगा? साहित्य, भाषा तथा संगीत कला का संगम मुख्य आकर्षक होगा इस उत्सव में। इसमें इस पर्व में ये होगा, क्या होगा? साहित्य से रिलेटेड, कला से रिलेटेड और संगीत से रिलेटेड इसमें वर्क होगा। इसमें सब लोग अपना कंपटीशन करेंगे, ठीक है, और कितने लोग भाग करेंगे? 95। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की साइड, जो कि है हमारा, स्ट्रीट क्राइम पर लगाम लगाने के उद्देश्य से किस नाम से आरंभ की गई दिल्ली पुलिस की पहल में 15 और नई वैन शामिल की गई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रखर, प्रखर नाम की वैन, ठीक है, प्रखर नाम की वैन स्टार्ट करी गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और क्यों स्टार्ट की गई है? स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए 15 वैन लागू की गई है, ठीक है, 15 वैन स्टार्ट करी गई है। और इसका काम अच्छा देखकर 15 वैनों में और बढ़ा दिया गया है, 15 वैनों की बढ़ोतरी भी कर दी है, ठीक है, और 15 प्रखर वैन्स में महिला स्टाफ को भी तैनात किया है, महिला पुलिस को भी तैनात किया है, ठीक है। और उन पुलिस कर्मियों को ना स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है, जो किसी भी हालात से निपटने के लिए सक्षम है, जो कुछ भी सिचुएशन अच्छे से फेस कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें किन इलाकों में चलाया जा रहा है? जहां दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम, स्ट्रीट क्राइम होता है। स्ट्रीट क्राइम समझते हैं आप लोग? स्ट्रीट क्राइम आई होप सभी को पता होगा। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की साइड, जो कि है हमारा, कितने वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक और दिव्यांगजन डाक मत पत्र में वोट डाल सकेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 80 साल। 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक डाक मत पत्र में वोट डाल सकेंगे, ठीक है। दिव्यांगजन आपको पता है, और 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक अब अपना वोट डाक मत पत्र में डाल सकेंगे, ठीक है। निर्वाचन आयोग की सिफारिश की पर, निर्वाचन आयोग के द्वारा सिफारिश की गई है, उस पर विधि और न्याय मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधित किया है, ठीक है। और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई, 1950, ठीक है। और इसके बारे में देख लेते हैं, ये कौन से अनुच्छेद में आता है? ये आता है 324 आर्टिकल में। ये आता है क्या? निर्वाचन आयोग। इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की साइड, जो कि है हमारा, ये क्वेश्चन गाइज आप लोग मार्क कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि किस राज्य में, हम क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में पहली बार साहित्य उत्सव शुरू हुआ? तो किस राज्य में शुरू हुआ? लद्दाख में। लद्दाख में पहली बार ऐतिहासिक लेह महल की प्राचीर पर लद्दाख साहित्य उत्सव शुरू हुआ। यह 3 दिनों का उत्सव है, ठीक है। इस उत्सव के साथ ही लद्दाख एक नए केंद्र शासित प्रदेश का रूप भी ले रहा है, ठीक है। आप लोगों को पता है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का क्या सीन चल रहा है, ठीक है। वहाँ आर्टिकल 370 का हटा दिया गया है, तो वहाँ पर उन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर वैसे भी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 3 दिन का उत्सव है, कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख में साहित्य उत्सव। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा, किस देश में 700 तवांग उत्सव शुरू हुआ है? तो किस देश में शुरू हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 7वां तवांग उत्सव बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है, ठीक है। इस उत्सव पर
समारोह में इस अवसर के समारोह पर मुख्य अतिथि कौन होंगे, चीफ गेस्ट कौन होंगे? भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर, एक मिनट, केनेथ जस्टर इसके चीफ गेस्ट होंगे, ठीक है। और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि आपको पता है, स्टेट आया तो स्टेट के बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर इसकी कैपिटल है, अर्थात राजधानी है, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन है इसके? मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, ठीक है। और राज्यपाल है बी डी मिश्रा इसके राज्यपाल है, और पेमा खांडू इसकी मुख्यमंत्री है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की साइड, जो कि है हमारा, इराक में भारत के अगले राजपूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इराक में किसे नियुक्त किया गया है? बीरेंद्र सिंह यादव को। मुक्तेश कुमार और पंकज कुमार के बारे में आपको पता ही है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मुक्तेश कुमार को हाल ही में किस लिए नियुक्त किया गया है और पंकज कुमार को भी, ठीक है। और बाकी इस क्वेश्चन का आंसर है बीरेंद्र सिंह यादव को नियुक्त किया गया है अगले राजपूत के रूप में इराक में, जो भारत से रिप्रेजेंट करेंगे, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे इराक में। तो चलिए देखते हैं इराक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इराक की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? बगदाद, ठीक है। बगदाद इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अरेबिक कुर्दिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इराक, ठीक है। रिलीजन क्या है? इस्लाम वहाँ का रिलीजन है, ठीक है। और करेंसी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है दिनार, ठीक है। दिनार इज द करेंसी ऑफ इराक। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की साइड, जो कि है हमारा, अभिषेक नायर किस खेल से रिलेटेड है, किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्रिकेट, ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। हाल ही फिलहाल में ये चर्चा में रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन हमारे वीडियो का, जो कि है हमारा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का 58वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? सॉरी गाइज, इसमें 24 अक्टूबर आप कर लीजिएगा, 24 अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 24th अक्टूबर, ठीक है। 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, ठीक है। भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, कौन सी? ITBP पर CAPF, ठीक है। और उसी CRPF के तहत ITBP को 24 अक्टूबर 1962 के चीन भारतीय युद्ध के मद्देनजर उठाया गया था, ठीक है। और हाल ही में ITBP का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। 24 अक्टूबर को और भी 2 दिवस मनाए जाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप 24 अक्टूबर के 2 दिवस और कौन कौन से मनाए जाते हैं कमेंट बॉक्स में आप वो भी लिखिएगा, ठीक है। मैंने ये पढ़ाया था पिछले वीडियो में और 2-3 दिन के पहले वीडियो में पढ़ाया था, तो आई होप बच्चों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए देखते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न, जो कि है हमारा, यूरोपियन यूनियन के 2019 सखारोव मानव अधिकार पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता, आपको इन चारों में से करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। और आज के वीडियो का टारगेट कितना है, कितने लाइक करना है? 1000 प्लस लाइक्स आपको आज वीडियो पे करने हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। तो ये था हमारा करंट अफेयर का वीडियो, ठीक है। प्लीज़ कमेंट करिए, आप लोग बताइए, अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बराबर में ना एक बेल आइकॉन भी होगा, आप उस पर भी फटाफट से क्लिक कर दीजिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिल पाएंगे, ठीक है। वहाँ पर एक ऑल का सिंबल आता है, तो आप ऑल पे क्लिक करिएगा, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो हम लोग हमेशा आपके साथ है, SSC मेकर हमेशा आपके साथ है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे।